फील कर सकते हैं कि हम शिमला आए हैं और यहाँ पे स्नो है, अच्छी खासी स्नो है। हेलो गाइस, मैं हूं जगमेर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड आउटडोर। तो आज हम निकल रहे हैं एक अनप्लान ट्रिप शिमला की ओर, और जो गाड़ी है अभी पूरी सामान से हमने लोड कर ली है, तो बाकी का जो है अपडेट मैं आपको रास्ते में बताता हूं। पहले काफ़ी लेट हो चुके हैं, आई थिंक अभी 11:30 बज चुके हैं, तो जल्दी से निकलते हैं। हाय गाइस, तैयारी है नीक? यस, बहुत बढ़िया जी, नज़ारे आ रहे हैं। हैप्पी फीलिंग तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस चैनल के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। तो गाइस, अभी हमें चले हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, और हमें किसी से तो उनसे पता चला है कि जो शिमला के रास्ते हैं वो अभी बंद हैं, कोई लैंडस्लाइड और स्नो की वजह से वहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो अभी देख रहे हैं हम, अगर आगे रास्ते खुले हुए तो हम जाएंगे, नहीं तो फिर रास्ते में हम कोई कसौली या कहीं और स्टॉपेज लेके कल तक वेट करेंगे, जब रास्ते खुलते हैं तब आगे बढ़ेंगे। भाई साहब, हम जो बारबेक्यू लेकर आए थे, जो उसकी जाली थी, वो हम घर पर भूल आए हैं, तो अभी ये देसी जुगाड़ किया है। हम पंजाबी इंडियंस हैं, जुगाड़ करने में बहुत माहिर होते हैं, तो अभी यहाँ से ये भाई साहब के पास से मैंने ये जाली ली है, तो इससे देखते हैं हमारा काम चलता है या नहीं। तो गाइस, अभी हम जीरकपुर से टर्न ले रहे हैं पंचकुला की ओर, और ये जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं ये निकल गया चंडीगढ़ की ओर, और ये है शिमला हाईवे टू शिमला। अभी हाईवे हुआ नहीं है, आगे जाके होगा, अभी तो ट्रैफिक की वजह से कुछ नहीं पता चल रहा कौन सा वे है। तो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं कालका शिमला हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे। तो जब भी आप पहाड़ों में एंटर करते हो उसका फील अलग ही होता है, चाहे मैं कितनी बार यहाँ पे आ चुका हूँ, पहले इस रोड पे कितनी बार पहले भी क्रॉस कर चुका हूँ इस रोड को, पर जब भी हम आते हैं हर टाइम पे ऐसे ही अलग से एक फीलिंग आती है। जो अभी हम सोलन भी नहीं पहुंचे हैं, और चंडीगढ़ से सिर्फ 30 और 35 किलोमीटर आए हैं, और आप देख सकते हो कि यहीं पर स्नो है जो आराम से दिख रही है। अभी पीछे काफ़ी ज़्यादा स्नो थी तो मैं ड्राइव कर रहा था, कैम ऑन नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी अच्छी स्नो, जो डिवाइडर है बीच में डिवाइडर होता है उस पर भी अच्छी स्नो डली हुई थी। जैसे कि मुझे पता चला था कि ये सामने देखिए आपको स्नो दिख रही है, ये कल यहाँ पर अच्छी खासी स्नो थी, लेकिन अभी धूप की वजह से आज काफ़ी हद तक पिघल गई है, मेल्ट हो गई है, बट स्नो यहाँ पे आप देख सकते हो। चंडीगढ़ से सिर्फ 30 और 35 किलोमीटर आए हैं और अभी सोलन भी नहीं पहुँचे हैं। हाँ जी, फिर किमें चल रहे माहौल, की कहना शिमला? शिमला का हरियाणा दसूंगा। चलो बढ़िया, खाई जाने रोटी, लंच हो रहा है भाई लोग। हाँ जी, हाँ चलो, तो यहाँ से लंच करके फिर निकलते हैं। वैसे भी काफ़ी 3:30 हो चुके हैं, 3:30 हो चुके हैं, तो काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं था, तो अभी गाड़ी में लंच कर रहे हैं, लंच करने के बाद यहाँ से निकलते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको आगे। यार वो देखो सामने कितनी सही स्नो है, तो रुकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे, स्नो का मज़ा लेते हैं। I don't wanna let myself down, myself down.
मैं थोड़ा गिरते गिरते बच के कुछ नहीं फंसे थे थोड़ी रोड ज़्यादा स्लिपरी है ना तो गाइस शाम होते होते हम शिमला के काफी क्लोज आ गए थे तो पेड़ों और पहाड़ों से झांकता हुआ सूरज काफी सुंदर लग रहा था तक तो भाई जी आपका नाम दी मकड़ी भाई किन्नी देर हो गई इतने आए नो किन्ने दिन हो गए मैंने भी हो गए तीन दिन आए नो तीन दिन आए मैं इतनी स्टे करती गड्डी ला के शूट वगैरह करके गाने का अच्छा ओदे करके आए सी वेरी नाइस केड़ा सारा पता लग ही हाँ जी भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं शिमला तो अभी हमने यहाँ पे रूम लिया है रेंट ठीक ठाक है अभी जैसे स्नो पड़ रही है काफ़ी नीचे से गाड़ियाँ आ रही थी तो क्राउड यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रखा है उसके बावजूद हमने दो रूम्स लिए हैं दो फैमिली रूम्स लिए हैं तो उनका रेंट इन्होंने 2500 लगाया है तो इसके अलावा अभी हम टाइम जो हो रखा है लगभग 8:10 हो रहे हैं तो अभी हम बाहर जाने वाले हैं वैसे तो पहले सोने का इरादा था डिनर वगैरह करके बट स्नो काफ़ी अच्छी है बाहर उनको कवर करने के लिए अभी हम बाहर जाएंगे तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि आपको बाहर जाके मैं स्नो के जो है वो नज़ारे दिखाऊंगा स्नो ये देखिए वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है बट ये है कि हम फील कर सकते हैं कि हम शिमला आए हैं और यहाँ पे स्नो है अच्छा। तो दोस्तों सामने जो गाड़ी है 4x4 गाड़ी है वो रोड पर स्नो होने की वजह से 4x4 भी गाड़ी ऊपर नहीं जा पा रही है इतना स्लिपरी हो रखा है रोड आप खुद देख सकते हैं तो फाइनली गाइस आई एम हियर इन आउटसाइड ऑफ शेरे पंजाब ढाबा अलग बात है जो इनका टेस्ट है वो मैं आपको होटल में जाके टेस्ट करके फिर बताता हूँ दिस इज द लुक ऑफ द ढाबा सो गाइस फाइनली वी रीच्ड एट गोयल गोरख ढाबा तो रेट वाइज अगर मैं बात करूं तो इनका पर प्लेट का रेट है 150 एंड आपको वो नॉन वेज में चिकन के 4-5 पीसेस दे देंगे तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में तो अच्छा रहा सीन बाहर का स्नो भी थी और टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे तो अभी जो आज का हमारा ट्रिप है वो यहीं पे एंड होता है मॉर्निंग में हम निकलेंगे नए रूट की ओर नई जगहों की ओर शिमला में